बौखलाया पाकिस्तान पलटवार करेगा ये तो तय था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही वो भी दिन दहाड़े पाकिस्तानी वायुसेना के विमान एलओसी पर घुसपैठ की हिमाकत करेंगे ऐसी नासमझी की भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन आतंकियों के बल पर भारत से जंग जीतने का ख्वाब रखने वाले पाकिस्तान का समझदारी से नाता कोसों पीछे छूट गया है, ये आज शीशे की तरह साफ हो गया। सुबह करीब 11 बजे राजौरी के नौशेरा सेक्टर में 3 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश की। पाकिस्तानी विमान एलओसी के करीब 3 से 4 किलोमीटर अंदर घुस आए, लेकिन इसके पहले कि वो कोई और हिमाकत कर पाते, पहले से तैयार बैठे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू ने उन्हें घेर लिया। MiG-21 और सुखोई विमानों की घेरेबंदी देखकर पाकिस्तानी विमान भागने लगे, लेकिन एक पाकिस्तानी विमान MiG-21 के निशाने से बच नहीं पाया और एलओसी के उस पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इलाके में ढेर हो गया। The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. महज चंद सेकंड्स के अंदर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को इंडियन एयरफोर्स की ताकत का अंदाजा हो गया। सीना तान कर आए पाकिस्तानी दुम दबाकर भाग खड़े हुए, लेकिन इस कार्रवाई में भारत को भी नुकसान हुआ। भारत का एक मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके पायलट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इन दिस एंगेजमेंट वी हैव अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट वन MiG-21। द पायलट इज मिसिंग इन एक्शन। पाकिस्तान हैज क्लेम्ड दैट ही इज इन देयर कस्टडी। वी आर एसर्टिंग द फैक्ट्स। घुसपैठ की इस नाकाम कोशिश के चंद घंटे बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश के लोगों से रूबरू हुए। भारतीय हमले के बाद इमरान पर भारी दबाव था, लिहाजा कल तक खामोश बैठे इमरान आज अपनी आवाम को घुसपैठ की खबर देकर खुश करने की कोशिश करते दिखे। साथ ही ये भी दावा किया कि भारत के 2 पायलट उनकी सेना के कब्जे में हैं। 2 हिंदुस्तान के मिग्स ने पाकिस्तान की रिटेलिएशन में बॉर्डर क्रॉस किया, उनको शूट डाउन किया गया और मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि पायलट्स हमारे साथ हैं। कल से जारी तनाव के बाद आज भारत के कई हवाई अड्डों को अलर्ट पर रखा गया। कुछ देर के लिए उड़ानें भी रोकी गई, लेकिन बाद में विमानों की आवाजाही सामान्य कर दी गई। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच पुलवामा आतंकी हमले के बाद से तनाव लगातार बढ़ रहा है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर हो रही भारी गोलीबारी आग में घी का काम कर रही है।